करती हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, सब लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गैस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 8:30 से, और ना आज सुंदर से मौसम के साथ, इतना सुंदर भी नहीं हो रहा है मौसम, ना थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि ना पूरा आ गया, और आपको दिखाती हूँ मैं मौसम कैसा हो रहा है आज। बैक कैमरा करके क्योंकि मैं छत पर गई हूँ कपड़े डालने, आपको मौसम दिखाते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है। मौसम ना गंदा हो रहा है, मतलब धुंधला धुंधला हो रहा है, धूप आई है, मतलब इतनी बड़ी बात है कि धूप आ रखी है, बस हो गया, धूप चाहिए थोड़ी थोड़ी, और ना ठंडा हो रहा है, मतलब दिखाती हूँ आपको मौसम। सो गाइस ना मौसम ऐसा हो रहा है, तो गाइस मैं कपड़े लाई हूँ, पहले मैं ना कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हर माता की जय। सो गाइस मम्मी चली गई घर को ना, वहाँ ना गाय बच्चों को घास वास दे के आएगी, और मैं ना अभी धूप में घूम रही हूँ क्योंकि ना धूप बहुत अच्छी आ रखी है, और हमारा गोल्डी भी सो रखा है वहाँ। गाइस ना जो हमने खाने के लिए विभूति बनाई थी ना वो ऐसी हैं, अब खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। पूजा करने वाला तो मेरा रूम हो रहा है, देखो मम्मी बात कर रही है। वैसे ना हमने खिचड़ी भी रख दी है, ये पंडित जी अभी आए नहीं है, आएंगे अभी थोड़ी देर में। हमने ना चावल और दाल रख दी है। तो वैसे ना हमारी पूजा पूजा हो गई है, और ना मैं बनाऊंगी अब खिचड़ी, और ये है पूरा मटेरियल, बनाती हूँ। और अब पंडित जी पाठ कर रहे हैं, तो हम ना अब खाना वाना बना लेते हैं, क्योंकि अब हम खिचड़ी विचड़ी बना सकते हैं, और हम बना लेते हैं खिचड़ी फटाफट से। और मैं दिखाती हूँ आपको ना पूरी, आज मैंने साड़ी पहनी है तो पूरी पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, सब अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 9:30 से, और ना आज मेरा है फास्ट, और मैंने ना पूरा खाना वाना मैं ब्रेकफास्ट मतलब सबको खिला दिया है, और पापा गए हैं घर की तरफ को। मम्मी की हो रही है आज तबीयत ख़राब, तो मम्मी ना बाहर से बैठ रखी है, सब धूप सेक रहे हैं हम लोग, और तो अभी इसलिए मेरी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि काम भी बहुत हो गया था, क्योंकि मम्मी करने वाली नहीं थी, तो सब कुछ मतलब लेट हो गया आज ब्लॉग बनाने में। तो गैस दिखाती हूँ क्या। सो गैस मौसम तो अच्छा हो रहा है, और धूप आ रखी है आज बढ़िया सी, और गैस तो मेरा भी पूरा काम टोटल हो गया है, और सब मैंने बर्तन वर्तन नाश्ता वास्ता सबको खिला दिया है, और अब मैं बैठ रही हूँ धूप पे। आपको दिखाती हूँ ना आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मम्मी ना पहाड़ से धूप में ही सो रखी हैं, और एक देवर आ रखे हैं, और आज ना कल मेरे देवर भी जाने वाले हैं क्योंकि उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो फिर वही घर में सोना सोना हो जाएगा, क्या ही करें, आर्मी वालों को तो जाना ही पड़ता है। तो अभी ना भैया लोग सब बाहर से बैठे हैं, आपसे मिलाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। बनाई इन्होंने चटनी, ये
कल ये चटनी बनाया था, चटनी तो अपनी अच्छी बनी, अंदर ऐसा करके चले गए। कल ये चटनी बनाया था, चटनी तो अपनी अच्छी बनी, अंदर ऐसा करके चले गए। गाइस अभी ना 11 बज गया है और मैं बनाती हूँ ना अभी खाना, क्योंकि मेरा तो है फास्ट। तो मैं पापा मम्मी और भैया दोनों, तीन लोग हैं खाने के लिए, तो मैं ना उनके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने पीठिया लगा रखा था ना, पता नहीं चमक रहा है शायद पीला पीला, तो मैं ना पापा लोगों के लिए बना देती हूँ खाना, मम्मी के लिए, उनके लिए, सबके लिए। और फिर मैं तो आज, मेरा तो फास्ट है, तो फिर मैं धूप सेकूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आ रखी है। मतलब फटाफट से खाना बना देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो एक ना एक कमेंट आया है, आया था मुझे माया बिस्ट ब्लॉग करके, उनका कमेंट है कि बहुत सुंदर सीस, थैंक यू, और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो और प्यार देते हो। और दूसरा कमेंट है रावत करके, हाँ रावत करके है इनका, तो इन्होंने लिखा है बना दिया हो खाना, हाँ हमने खा भी लिया, बना भी दिया, ठीक है। और एक है किड्स, एक किड्स एक्टिविटी, उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा ब्लॉग और सपोर्ट करो सब लोग, तो थैंक यू, आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतने प्यारे मैसेज, अपने इतने अच्छे कमेंट किए हैं। और एक है ये मेरा भाई, इसने लिखा है बहुत सुंदर, थैंक यू। और आज तक पूरे मैसेज आए ना, मैं उनका रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। एक है राहुल सिंह, उन्होंने बोला है बहुत अच्छा डांस है पर पीछे देखो, शायद जिसमें ना मैंने डांस की वीडियो डाली है ना मैंने, शायद उसमें बोला है पीछे देखो, पता नहीं पीछे शायद कोई है, वो पर्दे के पीछे से कोई छुप के देख रहा था, इसलिए उनसे बोल रहे हैं शायद। और एक है विनोद, विनोद विस्ट, इन्होंने और मैंने ना एक शादी की वीडियो डाली थी, तो उसमें मैं बोला है सो ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ विदाई, मैंने ना अपनी शादी की वीडियो डाली थी, हाँ यार विदाई का पल बहुत कठिन होता है। और एक है माही जोशी, उन्होंने बोला है ब्यूटीफुल मैम। और एक मैंने वही डांस वाले वीडियो में एक ने क्यूट भाभी जी, थैंक यू भैया। और एक है सोनी राज, उन्होंने बोला है नाइस, तो थैंक यू। और एक है आनंद सिंह, उन्होंने बोला है नाइस। और तो ना थोड़ा सा मतलब मैंने लिख के कमेंट लिखे नहीं है ना, तो मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं इतना लेट लेट कर रही हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मुझे ना वीडियो हमेशा, मतलब मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं अपना ना घर का ही सब कुछ दिखाती हूँ, और उसके बाद मतलब मेरे पे ऐसा कुछ रोज़ रोज़ दिखाने के लिए रहता नहीं है। और एक का है नेम विराट सिंह, इन्होंने क्या बोला है काम अच्छे से होना चाहिए, कल के ब्लॉग में ना मैं कुछ काम कर रही होंगी, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि काम अच्छे से होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। और एक ना रश्मि जंतवाल, उन्होंने बोला है सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। अभी आ गई मैं किचन पे और देख रही हूँ कि सब्जी क्या बनाऊँ, और सब्जी वब्जी बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और गैस मुझे मिले आलू, और मैंने रख दिया ना आलू रख दिए हैं, और अभी आलू के साथ पनीर बनाएंगे, आलू और पनीर की सब्जी बनाएंगे, और उसके बाद शाम भी हो ही गई है। तो गाइस मैं अपना ना ब्लॉग पे यहाँ पर एंड करती हूँ, अगर ना मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ना मुझे ढेर सारे प्यार दीजिएगा, ताकि ना मैं वीडियो और अच्छी तरीके से बनाऊँ, और मतलब और कोशिश करूँ अच्छी बनाने की, ठीक है। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।